Hi, today is 24th of June 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. 23rd of June 2020 के quiz के chemistry quiz के answers हैं. First, the composition of soap. इसमें sodium salt भी होगा और potassium salt भी होगा. The answer is C, both A and B. Biochemical compounds होते हैं ये skin treatment, food preservative, cooking oil. All of the above is the right answer. Then third is acid present in lemon, that is called citric acid. Then fourth है biological impurities, ये हम remove करते हैं sterilization process से. Then fifth is about who discovered radioactivity, the right answer is Henry Becquerel. So आज 24th of June 2020 है, आज की ये vocabulary है and these all topics we are going to discuss today. First is India China to cool down LAC tension. यहाँ हम इस न्यूज डेवलपमेंट को देखेंगे. सेकंड इज अबाउट दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम. जेम की क्या यूटिलिटी है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसमें क्या चेंजेस अनाउंस किए हैं. देन थर्ड इज अबाउट दिस मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप सस्पेंड्स H1B वीज़ा टिल ईयर एंड. इसमें इंडस्ट्रीज ने क्या ओपिनियंस शेयर किए हैं, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इंडियन आईटी इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, विल गेट टू नो. फोर्थ इज अबाउट मॉनसून लाइकली टू एडवांस दिल्ली. 16th ऑफ मई से हम देख रहे हैं मॉनसून का अनाउंसमेंट हुआ IMD ने. ये ग्रेजुअली इस तरीके से मॉनसून आगे बढ़ता है. देन मॉनसून और स्काईमेट के डिफरेंट पैरामीटर्स देखे, नाउ विल सी कि अब ये मॉनसून दिल्ली को अप्रोच कर रहा है. COVID-19 अपडेट्स देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट दिस डाउनिंग द शटर्स. USA का जो न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी है, स्पेशली दिस H1B वीज़ा एप्लीकेशन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, विल सी. देन सेवेंथ इज अ वेरी गुड आर्टिकल. दिस इज अबाउट अ ट्रिब्यूट टू अ क्विंटेसेंशियल फाइनेंस मैन. RBI एक्स गवर्नर डी सुब्बा राव जी ने लिखा है इसे और कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे इनपुट्स हैं. एट्थ इज अबाउट द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर. इंडिया आर्मी में फोकस कर रहा है ऑन ग्राउंड, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन दिस नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल. देन नाइन्थ इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, एक्सेलेंट इंसाइट्स है यहाँ पे. देन टेंथ इज अबाउट क्रॉप ऑफ आयरनीज. इलेवेंथ इज वर्ल्ड, विल टॉक अबाउट चाइना, WHO, हज पिलिग्रिम. देन बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे, मनी सप्लाई सर्ज हो रहा है बट दिस इंडिकेटर इज नॉट शोइंग द करेक्ट पिक्चर. मिसलेनियस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट RIC, HRD मिनिस्ट्री के ये नए इनिशिएटिव्स हैं, राजस्थान में नए योजना है, चाइना, एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट दिस फिजिक्स क्विज. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स. ये आज के वोकेबुलरी है. प्लेसेबो, इसका मतलब है नॉट रियल बट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो रहा है, ये मेडिसिंस में ऐसा यूज़ करते हैं. उसका एक्चुअल कुछ थेरेप्यूटिक बेनिफिट इतना नहीं है बट साइकोलॉजिकली उससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है. देन ऑस्टेंसिबली, इसका मतलब है अपेरेंटली, ऐसा दिख रहा है, सीमिंगली है. डेराइजन, इसका मतलब है मौकरी करना, रिडिक्यूल करना, मजाक बनाना, दैट इज़ दिस वर्ड. क्विंटेसेंशियल मतलब वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, टिपिकल है, क्लासिक एग्जाम्पल है, एक मॉडल कोड है वो. देन एक्विटल का मतलब होता है उसको सारे एब्जोल्यूशन हो गया है, जितनी भी गलतियाँ थी उससे फ्री ऑफ चार्ज कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड एक्विटल. देन दिस इज जेनुफ्लेक्ट. जेनुफ्लेक्ट का मतलब साइकोफेंसी में यूज़ कर सकते हैं, एक्ट ऑफ बेंडिंग नीज, घुटने ऐसे करना, दैट इज़ फॉर दिस सर्विलिटी भी बोल सकते हैं, जेनुफ्लेक्ट, साइकोफेंसी एंड ऑल. ब्लोबैक का मतलब होता है कि कोई एक एक्शन लिया है उसके अनइंटेंडेड एडवर्सेस हुए हैं. जगरनॉट, जगरनॉट मतलब ओवरवेलमिंग फोर्स है, काफ़ी पावरफुल फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड जगरनॉट कैंपेन. अपेंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपसाइड डाउन कर देना, टर्न अपसाइड डाउन. देन टूअर डे फोर्स का मतलब है ट्रायम्फ, विक्ट्री, मास्टरपीस, बहुत परफेक्ट वर्क है, दैट इज़ कॉल्ड दिस टूअर डे फोर्स. तो लेट इस डिस्कस अबाउट दिस द हिंदू न्यूज़पेपर. यहाँ जो पहला न्यूज़ आइटम है दैट इज़ अबाउट इंडिया चाइना टू कूल डाउन LAC टेंशन, और इंडिया चाइना नीड नो हेल्प, ऐसा रशिया ने भी कहा है. ये है इंडियन सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, ये माउंटेन टेरेन है लेह का ऑन ट्यूजडे. दोनों कंट्रीज़ हैं उन्होंने अग्री किया है कि हम डिसएंगेज करेंगे आफ्टर डिटेल्ड टॉक, ग्राउंड लेवल पे बातें हुई और उन्होंने कहा कि फाइनली विल डिसएंगेज बिटवीन कोर कमांडर, ये टॉक्स हुए हैं. और ये जो डिसीजन है ये म्यूचुअल कंसेंसस से आया है. रशिया ने मीनवाइल कहा है कि इंडिया एंड चाइना को किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ये बायलेटरल इशू है और बायलेटरली ये लोग सॉल्व कर लेंगे.
जो आर्मी के चीफ हैं, इन्होंने अभी लद्दाख में विजिट किया था। मीन वाइल इफ़ यू फॉलो दिस इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़पेपर। इसमें सी राजा मोहन है, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स होते हैं, इनके बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। आई हैव शेयर दिस इन ट्विटर, हैव अ लुक। सी राजा मोहन, इनके बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं IR एंड पॉलिसी, इसके लिए ही इज़ वेरी वेल नोन। नाउ एक्नॉलेजिंग बीजिंग राइज, इसमें इन्होंने कहा है ये ज़रूरी है। स्केल ऑफ चैलेंज जो है ये अभी जो प्रेजेंट कर रहा है बीजिंग, ही मीन टू से कि बीजिंग ने बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथन कर लिया है चाइना ने अपनी पोजीशन, वी नीड टू एड्रेस दैट। ये जो फर्स्ट स्टेप है, हमें जो नई चाइना पॉलिसी बनानी चाहिए, इसको तीन पिलर्स हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हम इंटरनल पॉलिटिकल कोहरेंस करें, इंटरनली अगर हम यूनाइटेड नहीं है तो हम फॉरेन एडवर्सिटी के लिए वीक हो जाते हैं, तो इंटरनल पॉलिटिकल कोहरेंस होना ज़रूरी है। दूसरा, हमें एक्सेलरेट करें इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। हम बॉयकॉट की बात करते हैं, बट आर वी एबल टू हैव अ सब्स्टिट्यूट? क्या हमारे पास खुद की वैसी कैपेसिटी है कि हम वो प्रोडक्ट्स खुद डेवलप कर पाएंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सेलरेट करें पहले इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और एक्सपैंड करें नेशनल पावर। ये हमारे जो स्टेप्स होंगे ये हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स लाएंगे। मीनवाइल हम यहाँ पे पॉलिटिकल कार्टून, गलवान वैली में अभी भी द रियल सिचुएशन इज़ कि यहाँ पे अभी फेस ऑफ है। देन नो एग्जिट फ्रॉम द ड्रैगन, ये डेटा पॉइंट ने इतना ब्यूटीफुली बताया है कि सी द मेन प्रॉब्लम इज़ ये जो $81 बिलियन का ट्रेड है ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड है इस चाइना के तरफ। हम केवल इम्पोर्ट कर रहे हैं, $65 बिलियन प्लस इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इज़ निल। देन टॉप पार्टनर में आप देखो चाइनीज़ की फर्म्स ने कितना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। आप स्टार्टअप्स की बात करो, दे आर सो फुल ऑफ दिस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। तो द पॉइंट इज़ वी आर सो मच डीकपल, होना इतना आसान नहीं है दिस इकोनॉमिक डीकपल, और वी नीड टू बी, यहाँ इतने ज़्यादा डिपेंडेंस है हमारी। सी एवरीथिंग, एक्सेसरी, एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन, डायोड्स, ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक अक्यूमुलेटर, इंडिया इज हैविली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट। ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम। सिमिलरली हमारे यहाँ इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, लुक ऑल नेम ओवर हियर, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दिस चाइनीज मनी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, रेटोरिक से कुछ नहीं होगा। दिस आई टॉक्ड अर्लियर एज वेल की काम डाउन, पहले हमें ये चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, ये ज़्यादा सेंसेबल चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पे भी यही बात है, इंडिया चाइना टू कूल डाउन LAC टेंशंस। देन दिस इज़ द सेकेंड वन, यहाँ पे बात है गवर्नमेंट ओरिजिन मस्ट है ऑन जेम प्लेटफॉर्म। जेम क्या होता है? जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसे ये सरकारी ई कॉमर्स प्लेस है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसमें सरकार अब पुश कर रही है टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स को। ये स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये हमें अभी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, सिस्टमेटिकली करना चाहिए। मैंडेटरी करें सारे सेलर्स को कि वो लिस्ट करें किस कंट्री ऑफ ओरिजिन है, कहाँ पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर है, कहाँ से आपने इसे बोरो किया है, कहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, ये प्रोक्योरमेंट मेड स्मार्ट है। गवर्नमेंट भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्क होता है, इनको बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योर करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये बनाया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, DGSND सप्लाइज ये इसको हैंडल करता है। ये एक डायनामिक सेल्फ सस्टेनिंग यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है ये, फॉर मेकिंग प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जैसे गवर्नमेंट में भी आपको कंप्यूटर्स चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, टेबल्स चाहिए, बहुत सारे ऑफिस सप्लाइज चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डिजिटल पुश है और कॉमर्स भी, ई कॉमर्स इज़ ऑन राइज। हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में भी ई कॉमर्स की बातें हो रही हैं। सो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन GEM, जेम। यूटिलिटी ऑफ डिजिटल मार्केट प्लेस क्या है? इसका बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ है इन बेटर एंड फेयरर प्राइसर डिस्कवरी। इससे बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। कल हमने जम्मू एंड कश्मीर की बात किया था, उन्होंने डिजिटल फेयर लगा रहे हैं ताकि बेटर प्राइस डिस्कवरी हो उनके प्रोडक्ट्स का, फेयरर प्राइस डिस्कवरी हो अलॉन्ग विथ ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हो, बिकॉज डिजिटली हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑन, सब ओपन विजिबल है, वो पूरा रिसीट्स आ रही है, एवरीथिंग कोटेशंस आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो यहाँ ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट होता है। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस जेम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देन यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट ट्रंप सस्पेंस H-1B वीज़ाज टिल ईयर एंड। ये जो H-1B वीज़ाज होते हैं, इससे जो फॉरेन
वर्कर्स है, स्किल्ड मैन पावर है, ये यूएसए में जाके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे जो यूएसए में और स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिटिकल रेटोरिक है, तो ही कीप ऑन सेइंग दैट कि जो इंडियंस आते हैं और दूसरे फॉरेनर्स आते हैं, ये लोकल्स का जॉब खतरे में पड़ जाता है, विच इज़ अ फ्लॉड स्टेटमेंट। यहाँ पे मिस्टर सुंदर पिचाई ने भी ये ट्वीट किया था, इसको भी ट्विटर में आई हैव शेयर्ड, इमिग्रेशन जो है इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इमेंसली टू अमेरिका की इकोनॉमिक सक्सेस। पूरा अमेरिका ही एक इमिग्रेंट नेशन है। गूगल में भी ये देवर ट्राइंग टू डू दिस। तो ये जो इनका मूव है, इससे एक ड्रॉ फ्लैग हो रहा है फ्रॉम दिस टेक इंडस्ट्री। यहाँ H4 वीज़ाज हैं, H4 वीज़ा होते हैं H1B वीज़ा के डिपेंडेंट स्पाउस एंड ऑल, L वीज़ा है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स के लिए, और H2 वीज़ा है ये नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए, एंड J वीज़ा ये पॉज कर दिया है थ्रू द ईयर एंड तक। ऑर्डर इशू हुआ है ऑस्टेंसिबली टू प्रोटेक्ट अमेरिकन जॉब ड्यूरिंग द ऑन गोइंग पैंडमिक, बट ये स्टेटमेंट फ्लॉड बताया जा रहा है। द ऑर्डर डज नॉट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग ग्रीन कार्ड, अभी जिनके पास ग्रीन कार्ड है उसको कोई चेंज नहीं होगा, जिनका अभी कंटिन्यू है IT वीज़ा एंड ऑल उनका कंटिन्यू रहेगा, बट नया चीज़ यहाँ पे इशू नहीं होगा। देन दिस इज अमेरिका, लैंड ऑफ इमिग्रेंट है, वैलिड एंड लीगल इमिग्रेशन, टैलेंटेड एंड स्किल्ड माइंड्स है यहाँ पे, कंट्री गेट बेनिफिटेड। आप अमेरिका में बहुत सारी IT कंपनीज, लेट अस प्रिपेयर अ लिस्ट, जैसे ये सुंदर पिचाई है, ऐसे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के, सत्य नडेला हैं, देर आर सो मेनी इंडियन ओरिजिन पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द सक्सेस ऑफ दिस US इन दिस IT कंपनीज एस्पेशली। तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई इंडियंस बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है यहाँ पे। नाउ हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा क्लास 11th, उसमें एक टर्म आया था ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जैसे पैसे होता है दिस कैपिटल होता है, ऐसे ही जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा रिसोर्स है, ह्यूमन कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्रेन ड्रेन थ्योरी? ब्रेन ड्रेन थ्योरी मतलब जो अच्छे लोग हैं वो अगर वहाँ से चले जाते हैं तो चीज़ें अपने आप ख़राब हो जाती है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है? ब्रेन ड्रेन थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल, ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन दिस। देन दिस इज द थर्ड वन, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। मीनवाइल यहाँ दिल्ली में मॉनसून लाइकली टू एडवांस है ओवर सिटी विद इन 2 डेज, ये फोरकास्ट हुआ है IMD का। मॉनसून जो होता है, अगेन NCERT में क्लास 11 बहुत ब्यूटीफुली हमने समझा है मॉनसून के डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, ITCZ क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स कैसे होते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ दिस लैंड कैसे वर्क करता है, तिब्बतन प्लेटू का क्या वर्क है, देन ट्रिगर कैसे होता है, ये ईस्टर्न जेट स्ट्रीम आ जाती है, साइक्लोन्स का क्या इम्पैक्ट है, इंडियन ओशन डायपोल, ला नीना, अल नीनो, दिस वी हैव कवर्ड इन क्लास 11th NCERT, हैव अ लुक। काफ़ी सिस्टमेटिकली वी आर स्टडिंग, NCERT से बेसिक्स बन रहे हैं, करंट अफेयर्स से उस पर हम एड ऑन एनरिचमेंट कर रहे हैं, एंड देन वी आर राइटिंग आंसर, सॉल्विंग MCQ, एवरीथिंग। सो फॉलो दिस, दिस ऑल विल बेनिफिट यू अ लॉट। अब ये जो मॉनसून है, ये June 5 तक यूजुअली यहाँ पे आता है, एंड सी ये धीरे धीरे अभी ऐसे करके ऊपर बढ़ता है, और यही दोनों ब्रांचेज आके मिलके दिल्ली एंड पंजाब प्लेन में ऐसे आगे बढ़ जाता है। तो दिस इज ऑन सेट एडवांसिंग मॉनसून है अभी। मॉनसून में भी 1 जून में जो केरला आता है, इसमें स्काईमेट का पैरामीटर इसने बताया, रेनफॉल, विंड फील्ड और आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये हमने 31 मई को पढ़ा था, और आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, इम्प्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ इंडियन मॉनसून। फिर इसके बाद 3 जून को हमने देखा ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 3 जून तक मॉनसून की ये पोजिशन थी, अब यही पोजिशन हो गई है, मॉनसून एडवांस हो रहा है अभी। देन अब ये बात है कि मॉनसून आता है तो मॉनसून इज़ नेसेसरी, एसेंशियल रेनफॉल है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या होता है, इधर बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल गुड़गांव में अक्सर आप देखना पूरा फ्लडिंग हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाएगा, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस ड्रेन प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ ये ऐसे मॉनसून का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाटर एक्यूमुलेशन जो है लो लाइंग एरिया में इसको चेक करना ज़रूरी है, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स करना ज़रूरी है, प्लस मॉनसून का जो पानी आता है, रेन वाटर आता है, इसका हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th NCERT, उसमें हार्वेस्टिंग इंडिया में अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट नेम से होता है, टंका एंड ऑल, ये सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, हैव अ लुक। सो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है, बिकॉज वाटर जो यूजफुल फॉर्म में है ये काफ़ी लिमिटेड रिसोर्स है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन दिस इज COVID-19 अपडेट्स हैं, वायरस ग्राफ यहाँ पे स्टीपर होता जा रहा है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, पहले नंबर ऑफ केसेस बहुत कम थे बट पीपल बहुत सिंसियरली ले रहे थे, अब केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड पीपल आर नॉट शोइंग एनी
फियर विच इज़ नॉट राइट. और इतने ज़्यादा यहाँ पे अभी ग्राफ वर्जन हो रही है चीज़ें, वायरस ग्राफ गेट्स स्टीपर. मीनवाइल ये यहाँ पे ऐसे एक नया मेडिसिन रिलीज़ किया गया था, इस पे आयुष ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसमें प्रॉपर फॉर्मुलेशन आप बताइए, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स बताइए, और मीनवाइल आप इसका एडवर्टाइजमेंट स्टॉप कर दीजिए. एम्स जो है यह वापस रीस्टार्ट कर रही है ओपीडी, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सारे रिसोर्सेज कोविड में डाइवर्ट हो गए. तो जो रेगुलर बीमारियां हैं, सीजनल इश्यूज होते हैं, उनके लिए जैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, ये फॉर टाइम बीइंग स्टॉप कर दिया गया था, अब इसको रिज्यूम कर रहे हैं. ये पिछले 3 महीने से शटडाउन था. तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये तेलंगाना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस अभी टैली सोर हुआ है. यहाँ पे जो फी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, उसको भी कैप एक फिक्स कर दिया है. पीएम केयर्स फंड भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इसमें इससे अभी परचेज हुए हैं कुछ वेंटिलेटर्स. मीनवाइल स्पोर्ट्स में नोवाक जोकोविक को भी टेस्ट पॉजिटिव है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, हरी नहीं करना चाहिए. स्पोर्ट में भी एवरीबडी वॉज सेइंग दैट वी डोंट नीड टू हरी, जल्दबाजी में काम खराब होता है. अभी कोविड-19 का थ्रेट ओवर नहीं हुआ है, डोंट लेट द गार्ड्स डाउन. ओके, बैटल और वॉर दोनों में डिफरेंस होता है. हमें अभी कोविड-19 में इनिशियल सक्सेस मिली है, बट अभी इट्स अ लॉन्ग बैटल, लंबा चलेगा ये. देन दिस इज पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है. देन दिस इज़ यहाँ पे राजस्थान में स्पेशल किचन स्कीम बनाया गया है. देन दिस इज़ एडिटोरियल. एडिटोरियल में ये एडिटोरियल है, दिस इज़ अबाउट डाउनिंग द शटर्स, डाउनिंग द शटर्स. दिस इज़ अबाउट ट्रम्प्स वीज़ा पॉलिसी. इन्होंने हॉल्ट कर दिया और मे रन इन टू अपोजिशन फ्रॉम अमेरिका इंक. अमेरिका इंक मीन्स वहाँ की जो IT कंपनीज एंड ऑल हैं, ये इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. USA में ये जो 2020 से 24 है, ये प्रेसिडेंशियल पोल अभी होने हैं, इसके प्रेसिडेंट चेंज होंगे. तो प्रेसिडेंशियल पोल के कारण यहाँ पे दो अभी कंटेंडर हैं, एक है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज़ फ्रॉम रिपब्लिकन एंड जो बाइडन है दैट इज़ फ्रॉम डेमोक्रेटिक. तो यहाँ पे अभी प्रेसिडेंशियल कैंपेन है यहाँ पे, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे रेटोरिक्स एंड दिस इलेक्शन कैंपेनियरिंग थोड़ा ज़्यादा है. इसी बीच में ये H-1B जो वीज़ा है, ये होता है फॉर स्किल्ड वर्कर्स विच इज़ वाइडली गार्नर्ड बाय इंडियन नेशनल्स. H-1B वीज़ा से इंडियन IT कंपनीज काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, अपने पर्सनल को USA में सेंड करती हैं. H-2 वीज़ा इशूड फॉर सीजनल वर्कर्स इन द लैंडस्केपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. ये H-2 है, ये H-1 है. और जो L-1 वीज़ा होता है, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स के लिए है. J-1 वीज़ा होता है फॉर स्टूडेंट्स ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम. और जो H-4 वीज़ा होता है, ये डिपेंडेंट स्पाउसेस हो सकते हैं H-1B वीज़ा होल्डर्स के. इन सबको टेम्प्ररली यहाँ पे स्टॉप किया गया है. रीजंस क्या हैं कि कोविड-19 के जो पैंडमिक है, ये सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब कर दिया है अमेरिकन लाइवलीहुड, वहाँ पे जॉब लॉसेस हो रहे हैं. पॉलिसीज जेनुफ्लेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि ये जो इलेक्शंस हैं, इसका आउटकम जो भी होगा, बट अभी ये जो टाइम है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन हीटअप हो गया है. एक्सपर्ट्स कर्ब करने को बोल रहे हैं, एक मिसगाइडेड एंड हार्मफुल चीज़ है, इससे US को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, वर्जन होगी US की इकोनॉमिक गेन. नैसकॉम ने ये वार्निंग दिया है. सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है टैलेंट. टैलेंट का शॉर्टेज होता है, ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. स्किल्ड एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, ये बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, और इनके बिना इकोनॉमिक पेन वर्सन हो जाएगा, इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी. नोटिंग दैट वर्चुअली एवरी सेगमेंट ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, स्किल्ड वर्कर्स, ये सारे इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, ये सब डिपेंड करता है मैन पावर में. अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर एंड इनका लीडरशिप की बात देखें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आइडेंटिफाई द टैलेंट. टैलेंट का आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रूम करना और उसको अट्रैक्ट करना टैलेंट को, ये बहुत बड़े इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी कंपनी नेशन की सक्सेस के लिए. इमिग्रेंट्स जो आते हैं, ये लीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, ये टैक्स पे करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं. इंडियंस इतना जनरसली वहाँ पे कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, लोकल इकोनॉमीज़ में हेल्प कर रहे हैं, मिरियाड अदर वेज में. इंडियन IT मीनवाइल इसमें माइल्डली नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन IT में भी यहाँ पे. देन दिस इज़ लीड आर्टिकल अबाउट दिस स्टेट एंड दिस राइट्स, एंड दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू दिस क्विंटेसेंशियल फाइनेंस मैन. यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर डी सुब्बा राव, एक्स RBI चीफ. ही इज़ रिटन दिस आर्टिकल ऑन दिस पर्सन, द नेम इज़ BPR विट्ठल. ये काफ़ी अच्छे दिस ऑफिसर रहे हैं. ही रिसेंटली पास्ड अवे.
इनके बारे में लिखा जाता है कि सेट एन स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू ब्लू रेनासा मैन जो स्कॉलरशिप स्ट्रेडल्ड होस्ट ऑफ डिसिप्लिन गुड इन इकोनॉमिक्स फिलोसफी थियोलॉजी फिजिक्स हिस्ट्री लिटरेचर पॉलिटिकल साइंस. तो ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम भी किया है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. इरुडिशन टू कंबाइन ऑल दैट इन टू अ वर्ल्ड व्यू दैट वॉज एट वंस ह्यूमैन एंड प्रैग्मेटिक. सी एग्जाम्स में एंड दिस ऑन ड्यूटी परफॉर्मेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना और फिर ऑन फील्ड जाके एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस करना वर्क करना ड्यूटी करना देर इज़ अ डिफरेंस. दोनों में अक्सर डिफरेंस होता है. ही वॉज अ वेरी वेरी गुड दिस ड्यूटी एंड दिस वर्क एक्सलेंट ऑफिसर. ये एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी थे. इन्होंने स्टिंट इनकी जो टेस्टिमनी है वो एक्सेप्शनल है पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रेड्स में भी. काम करना जो होता है ना रियल फील्ड जो चीज़ें होती है वो अलग होती है. तो ही इज़ वेरी गुड इन दैट. सबसे अच्छी बात है इन्होंने अर्न किया रेस्पेक्ट ऑफ सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स बोथ. ये जो इस टाइप के कुछ ऑफिसर्स होते हैं ना सी एवरी ईयर सो मेनी ऑफिसर्स गेट इन टू दिस सर्विसेज IAS IPS IFS एंड ऑल एंड मैनी ऑफ देम आर डूइंग सो वेल बट दे आर डूइंग साइलेंटली. वो अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे एंड दे आर डूइंग सो वेल. ऐसी एक बुक है द नेम ऑफ दिस बुक दिस RP नरोना. वैन यू गेट टाइम हैव अ लुक एट दिस बुक. दिस इज़ अ रियली गुड बुक. इन्होंने कुछ बहुत सारे अच्छे यहाँ पे इंसाइट्स दिए हैं. काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट रियली वेरी गुड बुक. ये जो ट्रेड्स होते हैं ना जैसे कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए ओपन माइंडेड होना चाहिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन. एंड एट द सेम टाइम ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे डिग्निटी डिस्टिंक्शन एंड अ सेंस ऑफ सर्विस. सबसे बड़ी बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं इसके आगे क्या लिखा होता है गवर्नमेंट सर्वेंट. सर्वेंट का मतलब होता है यू आर डूइंग सर्विस. यू आर डूइंग सर्विस टू होम यू आर सर्विस. आप इंडिया कंट्री की सर्विस कर रहे हैं. ये जो सेंस ऑफ सर्विस होता है ये कभी भी पीछे नहीं बैक सीट नहीं होना चाहिए. डिग्निटी डिस्टिंक्शन एंड सेंस ऑफ सर्विस ये आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. वेन यू गेट टाइम हैव अ लुक दिस इज़ अ रियली गुड बुक. सो यहाँ पे इन्होंने इनकी बात किया है. ये काफ़ी अच्छे ऑफिसर रहे. इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है यहाँ पे. देन दिस इज़ अबाउट दिस ओपेड. ओपेड में यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं दैट दोज आर अबाउट दिस द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर. LAC जो है अभी अगर अपन ज़मीन की बात करें तो ज्योग्राफिकली अगर अपन तिब्बत एंड ये पूरा जो एरिया देखें ये इंडियन साइड में बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है. चाइना को यहाँ पे ज्योग्राफिकली एडवांटेज मिल जाता है. प्लस न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी अगर हमारी 5:1 है तब वो इवन होता है. मतलब ज्योग्राफी फेवर कर रही है चाइना को. टेरेन वहाँ पे फेवर्ड है. अगर हमें उनको ओवरकम करना है तो एक चाइनीज़ पर्सनल के लिए 5 इंडियन ऑफ वहाँ पे सोल्जर्स होने चाहिए तब जाके हमें एडेड एडवांटेज मिलता है. तो टू गेन एनी एडवांटेज यहाँ हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. बट हम एयर पावर में स्ट्रेंथ है हमारी नेवी में स्ट्रेंथ है तो वाई डोंट वी फोकस ऑन दोज एरिया. एयर पावर में ये क्रूशियल है इंडिया के लिए. क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी यहाँ इंडिया को एडवांटेज है. तो अक्सर ऐसा बोलते हैं ना अपनी एडवांटेज पे खेलना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए. तो इंडिया की स्ट्रेंथ यहाँ पर है. हमारे ज़्यादा ऑपरेशनल बेसिस है यहाँ पे. बेटर फ्लीट है फाइटर जेट्स की भी इंडिया में. SU-30 MKI में अभी ब्रह्मोस मिसाइल भी आ गई है. तो ब्रह्मोस और SU-30 दोनों मिल गए हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस. मोर ऑपरेशनल बेसिस हैं इनको हम बेटर करें. चाइना ने मीनवाइल इस एरिया में लगा रखे हैं एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जैसे S-300 बट हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. इंडिया का मीनवाइल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काफ़ी एडवांस्ड है. हमारे यहाँ लैंडिंग ग्राउंड्स हमने बना रखे हैं. अपाची हेलीकॉप्टर आ गया है ये फोर्स मल्टीप्लायर है. चाइना की स्ट्रेंथ कहाँ है सर्वेलांस में है. सैटेलाइट्स एंड ऑल लो अर्थ ऑर्बिट्स में उसने अपनी काफ़ी सैटेलाइट्स लगा रखी है. इंडिया इसमें ट्राइंग टू कैच अप. द पॉइंट इज वी नीड टू लेवरेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर पावर. ये जो एयर पावर है इसमें हमें जो स्ट्रेंथ है वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. एट द सेम टाइम एयर और सी है इस पर हमें फोकस करना चाहिए. इंडिया के पास ये पूरा इंडियन ओशन ओपन पड़ा हुआ है. वाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस. कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था हमें एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है. इंडियन ओशन पूरे वर्ल्ड में ऐसा और कोई कंट्री नहीं है जिसके नाम पर एक ओशन है. दिस इज़ इंडियन ओशन. सो वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट. शार्प एंड कंटेम्प्ररी पावर है. नॉट गेट लेट ब्लंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर. नाउ दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. एजुकेशन सिस्टम भी होता है
एजुकेशन सिस्टम भी अगर आप गांधी जी की बात करो, हिस्ट्री में अपन देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ दिस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो स्किलफुल हो और वो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यही बात करते थे। तो एजुकेशन सिस्टम यूटिलिटेरियन होना चाहिए और वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, सिलोज में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अक्सर मैथमेटिक्स है तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है तो फिर बेसिक मैथ्स नहीं है, हिस्ट्री। सो इंटरकनेक्टेडनेस होना ज़रूरी है। जो स्ट्रीम्स होते हैं उनमें थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको सब विषय का होना चाहिए, दिस हेल्प। तो ये जो पैंडमिक का टाइम है, इसमें ये एक लेसन है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को फिर से रीहॉल करें, ओवरहॉल करें, वहाँ पे फूड सिस्टम, पेडागॉजी, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करें। ग्रीन इकोनॉमी और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करें। केवल जो कैलकुलेटेड बुक्स आपने पढ़ लिया, अ कपल ऑफ नोट्स देख लिए एंड यू क्लियर सम एग्जामिनेशन एंड ऑल, इससे क्या होता है, आपका प्लेटफॉर्म रेडी नहीं होता है। यू डोंट मेक get this develop this holistic understanding. So we need to work on this better education, history, geography, economics, polity, science, maths, other subjects, ये सारे सब चीज़ें हैं ना, ये interconnected होते हैं। We need to learn in tandem, silos में नहीं होना चाहिए, narrow नहीं पढ़ना चाहिए, holistic learnings develop होती है। और linkages बहुत ज़्यादा important है। आप history में economy लिंक करो, दादा भाई नरोजी ने कितने अच्छे से ड्रेन थ्योरी बताया economics, ब्रिटिश कैसे वर्क करते हैं, geography is destiny, so geography में आप science करो, polity में आप other subjects लाओ। तो interlinking is very very important, silos नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ book के examples दिए हैं, इंडिका, इंडिका में जियोलॉजी के बारे में लिखा है, दिस अ वेरी गुड बुक, और नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भी लिखा है, तो इन दोनों को इंटरलिंक किया। ग्रेट डिरेंजमेंट है, हिस्ट्री अमिताभ घोष की है आई थिंक ये बुक, यस अमिताभ घोष, और यहाँ पे लिखा है इन्होंने हिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज के बारे में। एक मिस्टर संजीव सान्याल की बुक है, वेरी वेरी गुड बुक, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, आई हैव रेड दिस रिसेंटली। इसमें लैंड ऑफ सेवन रिवर्स है, इसमें इन्होंने कनेक्ट किया है इंडिया की हिस्ट्री अलॉन्ग विद इंडिया की ज्योग्राफी। बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि जो कॉन्सेप्ट्स आज हम देखते हैं उसका हिस्टोरिकल लिंकेजेस क्या है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो द आइडिया इज़ दिस इज़ द अप्रोच। फॉर एग्जांपल, हम एनसीईआरटी सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, 9th एनसीईआरटी देखा, 10th देखा, 11th में है, फिर हम 12th भी करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी आर रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स का इस पर हम लेयर कर रहे हैं। दिस इज़ अ रियली रियली गुड अप्रोच। इससे क्या होता है, सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंकिंग हो रही है एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट वी नीड टू वर्क ऑन। सो दिस इज क्रॉप ऑफ आयरनीज, फूड सिक्योरिटी एंड फार्मर वेलफेयर। अक्सर हम ये भूल जाते हैं, फार्मर वेलफेयर डिपेंडेंट होता है, इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी, और इसके यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। दीज ऑल आर्टिकल्स वी रेड अ कपल ऑफ डेज बैक इन सेल्फ रिलायंट इंडिया में, कि फार्मर वेलफेयर इज वाई सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये डीकपलिंग है, डेटा पॉइंट है, केसेस राइज हो रहे हैं, ये पब्लिक एग्जिबिट है, रशियन बिल्ट MI-8 हेलीकॉप्टर है। देन दिस इज न्यूज़ पेज नंबर 9, ये पेज नंबर 10 है। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज़, CBSE, चैरियट इन पुरी विदाउट क्राउड बिकॉज ऑफ COVID-19। देन यही है वर्ल्ड न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ में पहले है चाइना, चाइना ने वॉर्न किया है, वॉर्न्स रिस्क ऑफ नेवल कॉन्फ्लिक्ट। अब सी, चाइना का भी गेम समझना ज़रूरी है, हाउ चाइना ऑपरेट कर रहा है। साउथ चाइना सी में, चाइना और दिस साउथ चाइना सी के जो ये नेशंस हैं इधर, और कल जापान का भी देखा था, जापान ने आइलैंड्स के नेम चेंज किए हैं, दियावाऊ सेन्ना काकू। ये जो यहाँ पर है, US का प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो चाइना और US के बीच में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बिकॉज एशिया पैसिफिक में ज़्यादा हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एट द सेम टाइम चाइना में बीजिंग एंड ऑल में सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 भी प्रिवेलेंट हो रहा है। WHO में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पैंडेमिक एक्सेलरेटिंग एज केसेस टॉप 9 मिलियन, नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, विच वी शुडंट। ग्रेटर थ्रेट इज़ नॉट द वायरस, ये भी एक प्रॉब्लम है, वायरस से बड़ा जो थ्रेट है वो है लैक ऑफ ग्लोबल सॉलिडेरिटी और लीडरशिप स्किल्स जो हैं ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। देन दिस इज़ यहाँ पे बात है डिवोशन एंड सेफ्टी, वर्शिपर्स हैं प्रेइंग एट द काबा, इस्लाम्स होलीएस्ट श्राइन इन मक्का। नाउ सी, यूजुअली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बट अब बिकॉज ऑफ COVID-19 यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे कहा है सऊदी ने कि केवल 1000 पिलग्रिम यहाँ पे देंगे, अलाउड करेंगे यहाँ पे हज पिलग्रिम।
हमने पूरी रथ यात्रा में भी देखा, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे। देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में यहाँ पे है बात कि करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। मनी सप्लाई सर्ज सिग्नल्स अनसर्टेनिटी अमिड पैंडेमिक। मनी सप्लाई बढ़ रहा है, पीपल होल्डिंग कैश एंड डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई जब यूजुअली इकोनॉमी में बढ़ता है तो इसका क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है। और हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी होता है? सर्कुलेशन ऑफ मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेंसी इन सर्कुलेशन विच मेजर्स मनी विद द पब्लिक एंड इन बैंक हैज़ ऑल्सो सर्ज्ड, बट ये फॉल्स इंडिकेटर हो रहा है। अनसर्टेनिटी अभी भी ज़्यादा है। कर्टेलिंग डिस्क्रिशनरी इनकम, तो लोग क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्क अवर्स हो रहे हैं, रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट इन दिस होना चाहिए, वापस रीसर्कुलेट होना चाहिए मनी, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो दैट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मनी सप्लाई सर्ज है, बट दिस इज़ नॉट अ रियल इंडिकेटर। रिस्क अभी भी है, अनसर्टेनिटी अभी भी है यहाँ पे मार्केट में। देन दिस इज़ मिसलेनियस न्यूज़। ये जोकोविक टेस्ट पॉजिटिव फॉर COVID-19। यहाँ लिएंडर पेस ने काफ़ी अच्छी बात बोली है, री इन्वेंशन जो है ये की है इन पोस्ट पेंडेमिक फेज। री करें इन्वेंशन, फिर से री इन्वेंट करें। स्ट्रेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव लर्निंग एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनलाइज टाइम, ये अभी पिछले 2-3 महीने में अगर टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज किया, वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स, सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस में ये RIC है, अभी रशिया इंडिया चाइना, इसने कहा रशिया बैक्स इंडिया फॉर UNSC परमानेंट सीट। UNSC परमानेंट सीट 15 मेंबर होते हैं, UNSC परमानेंट सीट के लिए बैक कर रहा है। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 + 10। इन मेंबर्स के नाम बताइए जो अभी रिसेंटली यहाँ पे नॉन परमानेंट में इलेक्ट होके आए हैं UNSC की सीट पे। HRD ने युक्ति 2.0 प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, ट्विटर पे इसके बहुत अच्छे इंस्टाग्राफिक्स शेयर हुए हैं, अभी हैव अ लुक। युक्ति 2.0 प्रोग्राम। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना है, कंसेशनल फूड है। चाइना में दिस बिडो, नाउ दिस इज़ वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। चाइना बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है दिस सैटेलाइट में, टेक्नोलॉजी में, और ये जो नेक्स्ट बिग थिंग्स हैं, वी नीड टू डू बेटर। यहाँ पे इंडिया के पास भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है IRNSS। इसका फुल फॉर्म बताइए और ये क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है फाइनल। यहाँ पे अभी सैटेलाइट बिडाऊ इसने लॉन्च किया है चाइना ने। अब आज के क्विज हैं फिजिक्स। फिजिक्स इज़ रियली नाइस। फिजिक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल क्या होता है? एक SI यूनिट्स होती है, नाम बताइए सारे SI यूनिट्स के, स्टैंडर्ड जो होती है SI यूनिट्स। तो जो पास्कल है ये किस से क्या मेजर करता है? थ्रस्ट, प्रेशर, फ्रिक्वेंसी या कंडक्टिविटी, पास्कल। प्लैनेट्स जो होते हैं, एक ये सन है, सन क्या है? स्टार है। और देन सन के साथ इतने यहाँ पे ये प्लैनेट है, अर्थ क्या है? प्लैनेट है। तो प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। इसका ट्विंकल का रीज़न क्या है? ए है बिकॉज दे एमिट लाइट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी, बिकॉज जो उनकी डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विद टाइम, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या बिकॉज दे आर नियरर टू अर्थ एंड हेंस वी रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इन द इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसिएबल। तो ये जो ट्विंकल होता है इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फिजिक्स में ऐसा होता है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, वॉट इज द करेक्ट रीजन। देन मेटल्स होते हैं, मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कॉपर वायर हम यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, एटम्स लाइटली पैक्ड है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या ऑल ऑफ द अबव। देन रोलिंग ऑफ स्टोन, आप पहाड़ पे ऐसे रोलिंग ऑफ स्टोन कर रहे हैं ऑन अ स्लोपिंग रोड, देन टू लिफ्ट इट वर्टिकल अपवर्ड, ऐसा क्यों होता है? रोल करना इजी होता है, ऐसे लुढ़काते हुए आप आगे ले जा सकते हो, बट उसको लिफ्ट करके ले जाओगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वाई? रोलिंग इज़ मोर कन्वीनियंट एंड मोर वर्क डन, इसका FBD एंड ऑल ऐसा फिजिक्स में हम बनाते हैं। तो रोलिंग इज़ मोर कन्वीनियंट एंड मोर वर्क डन एज कम्पेयर टू द लिफ्टिंग। वर्क डन, वर्क डन बाय द रोलिंग स्टोन इज इक्वल टू द लिफ्टिंग, या फिर वर्क डन इन बोथ इज सेम बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस इन रोलिंग। क्या ऐसा होगा? द वर्क डन इन अ रोलिंग अ स्टोन इज लेस देन इन लिफ्टिंग। वेरी वेरी गुड आंसर, इसको अच्छे से समझिए और करेक्ट आंसर बताइए इसके। रोलिंग ऑफ स्टोन स्लोपिंग रोड पे ज़्यादा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू लिफ्टिंग इट वर्टिकली अपवर्ड। और ये फाइनल क्वेश्चन है,
Which of the following phenomenon is involved in absorption of ink by this blotting paper? इंक गिर जाती है, हम यहाँ पे टिश्यू पेपर इस टाइप का ब्लॉटिंग पेपर लगाते हैं तो वो इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है. इसका रीजन क्या है? विस्कोसिटी, कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन या फिर दिस सिफन एक्शन. तो 1, 2, 3, 4 and 5, 5 questions are here. So today we read about this 5 questions. Sports reinvention key in post pandemic phase. Creative learning and time management is very very important. Channelize your time. सबके पास time limited होता है. See, your time is limited. Channelize it, use it properly. Then this is miscellaneous section. RIC, HRD, Rajasthan and China. बिजनेस सेक्शन में मनी सर्कुलेशन समझा हमने, यहाँ हमने हज पिलग्रिम देखा, कोविड 19 का यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, WHO की बात देखी हमने, चाइना का न्यूज़ देखा, क्रॉप ऑफ आयरनीज है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, सिलोज में नहीं सीखना है हमें, पूरा कंप्लीट पिक्चर देखना है और इंटरलिंकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज़ अबाउट द शार्प एंड ऑफ मिलिटरी पावर. दिस इज़ वी नीड टू फोकस, वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन नेवी एंड दिस एयरफोर्स एज वेल. यहाँ बात है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे श्री BPR विट्ठल जी का, कितने अच्छे ऑफिसर थे यहाँ पे. ऑफिसरशिप एंड दिस सर्विस, सेंस ऑफ सर्विस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे, सेंस ऑफ सर्विस, पब्लिक सर्विस, तभी इन्हें पब्लिक सर्वेंट कहते हैं. सेंस ऑफ सर्विस, डिग्निटी, डिस्टिंक्शन, सेंस ऑफ सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज़ अबाउट डाउनिंग द शटर्स. कोविड 19 की अपडेट्स हैं. मॉनसून के बारे में हमने समझा, मॉनसून फिनोमिनॉन समझना बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी एंड लाइफस्टाइल टू. व्हाट यू मीन बाय दिस ह्यूमन कैपिटल, ब्रेन ड्रेन थ्योरी क्या होती है. एंड देन दिस इज़ अबाउट जेम, जेम पे भी हमें एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है. देन दिस इज़ अबाउट इंडिया एंड चाइना, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इनका, हैव अ लुक यहाँ पे, मिस्टर सी राजा मोहन का, इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखते हैं, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. देन ये वोकैबुलरी है और ये आज 24th of June 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.